नमस्ते, हाय फ्रेंड, मैं हूँ शिल्पी आनंद और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ नायका का ये सीट मास्क। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है नायका का सीट मास्क। ये 100 में एक ये सीट मास्क आता है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का, गार्नियर का या फिर और भी बहुत सारी कंपनी आती है, अपनी स्किन के अनुसार जो भी आपको स्किन को सूट करे वो ले सकते हैं। ये मैंने रोज़ और गोट मिल्क वाला लिया है, ये लेमन वाला है और ये बादाम का है, आलमंड एंड योगर्ट। आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, उस अकॉर्डिंग आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। मैं अभी आपको ये सीट मास्क लगा कर दिखाऊँगी और इसमें बहुत सारा सीरम रहता है, तो आप चाहे तो एक बार यूज़ करके बाकी सारा सीरम एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, छोटा वाला कंटेनर में। और इसके बहुत बेनिफिट है, ये मॉइस्चराइज भी स्किन को करता है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन लिखा हुआ है आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है फेस वॉश से और फिर सीट मास्क को अप्लाई, फिर रिलैक्स 15 मिनट तक आप रख सकते हैं। फिर उसको निकाल लीजिए, पील कर लीजिए। पील करने में कोई दर्द नहीं होगा आपका, बस ऐसे निकालना है और फिर उसको मसाज करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये रोज़ एंड गोट मिल्क वाले में क्या क्या है इसमें। इसमें लिखा हुआ है रोज़ लॉक डाउन द मॉइस्चर एंड हेल्प टू रिड्यूस स्पॉट एंड डिस्कलरेशन, प्रोवाइड यू विथ नेचुरल रेडियंस। और इसमें विटामिन है B12 एंड B1। इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, ग्लोइंग करता है, तो आप इसे यूज़ करिए। और एक सीट मास्क आप वीक में एक लगा सकते हैं, एक या दो बार आराम से लगा सकते हैं और ये नरिश्ड एंड रेडियंट स्किन देगा आपको। और ज़रूरी नहीं है कि आप नायका का ही लें, मैंने परचेज़ किया है, आप गार्नियर या किसी भी कंपनी का सीट। चलिए अब मैं आपको ये सीट मास्क यूज़ करके दिखा देती हूँ। मैंने फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लिया है, अब मैं नायका का ये सीट मास्क ओपन करूँगी, ये वाला। देखिए इसमें बहुत सारा सीरम है, बिल्कुल टपकने लगता है ये तो। और इसे आप आराम से धीरे धीरे ओपन कर लीजिएगा ताकि ये फटे नहीं। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। आई में नहीं जाना चाहिए तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब 50 मिनट तक मैं इसे इसी टाइप से ही छोड़ दूंगी और इसके सीरम जो है ज़्यादा वो निक पे लगा लूँ। 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं ये इस मास्क को निकालूंगी और कुछ देर तक मसाज कर लूंगी। आपको 5 मिनट तक मसाज करना है और फिर आप इसे छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। एज अ मॉइस्चराइजर ये काम करेगा, हाफ एन आवर के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये सीट मास्क का रिव्यू? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस सीट मास्क को। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।